हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल भाई लोग। तो दोस्तों आज ही यहाँ पे हमारा संडे। तो आज संडे के दिन हम जो आ चुके हैं अपने चैलेंजिंग वीडियो के साथ, यानी कि आज ही यहाँ पर हम कुछ नया चैलेंज करने वाले। वो जानने से पहले ही यहाँ पर हमें अपनी सारी की सारी चीज़ों को रखना है अपने सर्कल बॉक्स में। तो यहाँ पर हम इस चैलेंज में थोड़ा सा खाना भी नहीं ले जाने वाले, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। यानी कि ओनली फॉर यहाँ पे हमारे पास होने वाली है स्क्वाड, वो भी यहाँ पे गोल्डन की होने वाली। यानी कि यहाँ पे हमें भाई आयरन तो भी अच्छा रहेगा, पर यहाँ पे हमें गोल्ड की लेनी है स्क्वाड। तो बाकी जो सारा का सारा सामान उसे यहाँ पे हम सर्कल बॉक्स में रखेंगे। भाई यहाँ पे हम अपने आर्मर को भी निकाल के जाने वाले, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, ओनली फॉर स्क्वाड ही होगी। तो फटाफट ही यहाँ पे हम अपने सारे के सारे सामान को अपने दूसरे सर्कल बॉक्स में रख देंगे और फटाफट ही यहाँ से हम बाहर चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो चैनल है, यानी कि हमारी जो चैलेंज है, यानी कि चैलेंज में क्या होता है, चैलेंज में कुछ टारगेट दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारे चैलेंज में होने वाला है 1 डे सर्वाइव इन वाटर, यानी कि सी के अंदर। यहाँ पे हमें पूरा का पूरा 1 दिन सर्वाइव करना है। यानी कि यहाँ पे हम अपना जो ऑक्सीजन लेने के लिए, यानी कि श्वास लेने के लिए बाहर आ सकते हैं। फिर वैसे हमें यहाँ पे अपने खाने को भी ढूंढने के लिए अपनी मछलियों को मारना पड़ेगा। तो फटाफट यहाँ पे हमें कोई भी खाना लेके नहीं जाना है। तो यहाँ से हमें अपने को चाहिए स्क्वाड। तो फटाफट यहाँ पे हम अपने गोल्ड के फार्म के पास चले जाएंगे। भाई यहाँ पे हमें सबसे पहले सोना चाहिए। भाई अभी तो मुझे यहाँ पे क्रीपर दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी रिस्क नहीं लेना। तो फटाफट यहाँ पे हम सोने के लिए चले जाएंगे। अरे सोने के लिए नहीं, बाहर चले जाएंगे और वहीं से हम अपने को करेंगे रिस्पोन। यानी कि यहाँ पे हम सीधे कमरे पर, यहाँ पे क्या क्लिच हो रहा है, यानी कि तो यहाँ पे जो नेदर पोर्टल हो यहाँ पे आधा ही जला है। भाई क्या ही ऐसा ग्लिच हो रहा है, आधा तो कभी नहीं चलता है। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो नेदर पोर्टल आधा ही चल रहा है। भाई किसने यहाँ पे हमें मारा, भाई कौन मार रहा है इतना ज़्यादा। भाई तो यहाँ पे उड़ने वाला कोई पक्षी है, यानी कि उसका नाम तो हमें नहीं पता, पर वो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे के चला गया। तो फटाफट यहाँ पे हमें अपने पास लेनी है स्कोर। अरे भाई यहाँ म्यूजिक पे तो हमारा खेल ख़त्म हो गया। अभी तो यहाँ पे मैं चैलेंज तो यानी कि स्टार्ट तो नहीं हुई थी। तो फटाफट ही यहाँ पे हम सबसे पहले सो जाने वाले दोस्तों। भाई यहाँ पे तो हमारे पास ज़ॉम्बी दिखाई दे रहा, भाई प्लीज़ सोने दे। तो फाइनली यहाँ पे हम सो चुके, तो यहाँ पे मैं जल्दी सुबह भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी सुबह हो चुकी है, तो यहाँ से हमारी चैलेंज हो जाती है शुरू। यानी कि यहाँ से हमें फटाफट अपने को चाहिए स्क्वाड और यहाँ से हम सीधे सीधे चले जाएंगे अपने पानी के अंदर। यानी कि यहाँ पे पानी में अपने खाने को खोजना है, यानी कि यहाँ पे मछलियों को मार के अपना खाना लेना है और वहीं पे हमें पूरा का पूरा 1 दिन बिताना है दोस्तों। तो फटाफट यहाँ पे हमें, अरे भाई तू प्लीज़ मुझे जाने दे, मेरे को तेरे से फाइट नहीं करनी सीट यार। तो फटाफट यहाँ से हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे तो हमारा कोई भी लाइब्रेरियन नहीं गया, यानी कि यहाँ पे तो हमारा जो पहले से 3 लाइब्रेरियन चले गए थे वही है। तो फटाफट यहाँ से हमें जाना है अपने गोल्ड के फार्म के पास और वहीं से हमें अपने लिए लेनी है 3 स्क्वाड, क्योंकि यहाँ पर हम एक साथ 3 लेने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं जो गोल्ड की स्क्वाड होती है वो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाती है दोस्तों। भाई यहाँ पे क्या ही ग्लिच होके रखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें तो यहाँ पे हम नॉर्मल ही लेने वाले, यानी कि यहाँ पे तो हमें इंजॉयमेंट की हुई अपनी स्क्वाड को भी नहीं लेना। तो फटाफट यहाँ पे हमारी 3 स्क्वाड आ चुकी है दोस्तों। तो फटाफट यहाँ से हम अपने चलेंगे चैलेंज की तरफ। भाई क्या ही ग्लिच होके रखा है, भाई क्या हो रखा है। तो यहाँ पे तो हमारा शुगर किन का फार्म भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आगे उसे भी यहाँ पे एक्सटेंड करने वाले, यानी कि उसे यहाँ पे और भी बड़ा बनाने वाले। तो फटाफट अभी तो यहाँ पे हमें अपनी चैलेंज को शुरू करना है। तो यहाँ से ही हम अपनी चैलेंज को शुरू तो कर ही दिया है। तो यहाँ पे हमारा फाइनली आ चुका है रिवर, यानी कि हमारी सी भी आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा समुद्र आ चुका है। तो यहाँ से तो हम अपने समुद्र के अंदर रहने वाले पूरा का पूरा 1 डे दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे खाने के लिए ढूंढना पड़ेगा। भाई प्लीज़ यहाँ पे हमें फटाफट मछलियाँ दे दे। भाई मछली को पकड़ना काफ़ी मुसीबत भरा है, क्योंकि यहाँ पे तो तेज़ी से भाग जा रही यार, यहाँ पे हाथ में नहीं आती। और यहाँ पे पानी में अटैक बोलना, और भी हमारा जो नया नया स्प्लिट कंट्रोल है उसमें भी यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती। भाई लग जा यार, क्या ही कर रहा है यार, पानी में तो थोड़ी सी दिक्कत तो रहेगी भैया, क्या करें अब। तो उसे तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा फिश को कलेक्ट करना ही पड़ेगा।
तभी यहाँ पर हम खाने का नया चीज़ बना सकते। तो क्या हम इसे तो खा सकते, तो एक बार यहाँ पर हम टेस्ट तो कर ही सकते हैं। अभी तो यहाँ पे और भी हमें मछलियों को कलेक्ट करना है। भाई प्लीज मेरे हाथ में आ जा, मेरे हाथ में आ जा, मेरा वार सहन कर ले। तो भाई यहाँ पे तो हमें मछली को कलेक्ट ही करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के साथ हमें तो बैठा ही रहना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों को मेरे साथ बने ही रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे चैलेंज है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा भी कट भी नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे हम थोड़ा सा भी एडिट नहीं कर सकते कट या थोड़ा सा भी कुछ लगा के। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो हमें मछलियों को इकट्ठा ही करना पड़ेगा। कि आप लोग को लगता है कि यहाँ पे हम अपनी मछलियों को इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं? तुमसे ना हो पाएगा। नहीं, यहाँ पे तो हम अपने वन डे के लिए अपना जो सी फूड है उसे यहाँ पे हम कलेक्ट करके ही रहेंगे। पर यहाँ पर हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़े उतनी यहाँ पर हम मेहनत करेंगे और यहाँ पे अपने सी फूड को कलेक्ट करके रहेंगे। भाई मछली आ जा, तो यहाँ पे तो हमें अपनी मछली को फंसाना है इस घास में, यानी कि यहाँ पे हमारे जो डर्ट ब्लॉक में हमारी मछली फंस गई तो यहाँ पे हमारा काम तो बन जाएगा। भाई यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन लेवल भी लो हो रहा है और यहाँ पे तो मछली तब तक तो कहाँ पे चली गई भाई, वो यहाँ पे मिल चुकी है। तो चल मेरा खाना बन जा, कहाँ पे भाग रही है साली, चला आ जा मेरे पास आ जा। अरे भाई कहाँ पे चली गई, तो यहाँ पे थी। तो फटाफट इसे यहाँ पे ख़त्म कर लिया भाई। इसे तो यहाँ पे हड्डियाँ भी मिली भाई, इसे भी यहाँ पे हमें हड्डियाँ मिल रही है, यानी कि यहाँ पे हमें बोन मिल रहा है। भाई साहब यहाँ पे हमारा तो फिर से ऑक्सीजन ख़त्म होने को आया। तो फटाफट यहाँ पे तो हम इसे मार ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो हमारा ऑक्सीजन कम हो चुका। तो यहाँ पे दोबारा हम ऊपर की तरफ आ चुके। तो दोस्तों यहाँ पर हम कितनी देर तक रहे, तो फटाफट यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें आगे की तरफ जाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आगे की तरफ भी हमें अपनी कई ज़्यादा मछलियाँ दिखाई सकती है, यानी कि हमें उसे देख सकते हैं और उसे यहाँ पे अपना फोर्ट बना सकते हैं। तो फटाफट यहाँ से हम अपने आगे के दरिए की तरफ, यानी कि हमारा जो सी है उसके तरफ यहाँ पे हम चले जाएंगे। तो अभी के लिए तो यहाँ पे हमारे पास तीन हो चुकी है मछलियाँ। तो फटाफट यहाँ से हमें आगे की तरफ जाना। पर यहाँ पे पानी वाले जोम्बी भी हमारे पीछे दिखाई दे रहे, वो भी यहाँ पे हमने देख लिया तो हमारे पीछे पड़ चुके। भाई यहाँ पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आर्मर भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज लग सकता है। तो फटाफट यहाँ पे हमें इससे बचते हुए यहाँ पे हम दूर चले जाएंगे। तो भाई साहब यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और भी आगे की तरफ चलते जाएंगे, यानी कि यहाँ पे तो हमारे पास तो तीन सी फूड हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे तीन मछलियाँ हो चुकी है। तो यहाँ पे दोबारा अपनी जो थोड़ी सी मछलियाँ है उसे यहाँ पे हमें फाइंड करना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने अपने वीडियो को तो मैं कट नहीं कर सकता, पर यहाँ पे मैंने अपने थोड़ी सी वीडियो की फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल दिया है, ताकि अरे भाई ये तो यहाँ पे हमें मार रही है डॉल्फिन, हमें मार भी सकती है क्या यार? ये तो यहाँ पे हमारे पीछे ही पड़ चुकी है, तो यहाँ पे फटाफट हमें भागना पड़ेगा। भाई ये तो यहाँ पे क्या ही हाथ धो के पीछे पड़ी है, भागो भाई भागो, यहाँ पे हमें भागना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे पीछे की तरफ चली गई और यहाँ पे दूसरी भी चली गई है, तो यहाँ पे हम दूसरी मछलियों से भी अपना खाना लेने। अरे भाई ये तो यहाँ पे क्या ही निकली यार, कितनी तेज़ी से आई और यहाँ पे कितनी तेज़ी से चली गई, और उसने यहाँ पे हमने मार दिया है। तो फटाफट ही यहाँ पे हमें भागना ही पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं, हमारे पास आर्मर भी नहीं है। तो अब तो यहाँ पर हमें डॉल्फिन से तो पंगा लेना ही नहीं है, तो यहाँ पे तो हम अपनी दूसरी मछलियों से पंगा लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें नई नई मछलियाँ देखने को मिलेंगी, उसके साथ ही यहाँ पे हम पंगे लेंगे, यानी कि जो हमारे साथ वो पंगे लेती है तो यहाँ पे तो हमें उसे छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आर्मर नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ फाइट भी नहीं कर सकते अच्छी तरीके से। और यहाँ पे पानी में तो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा ऑक्सीजन काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम ज़्यादा देर तक रह भी नहीं सकते, तो फटाफट यहाँ पे हम वापस ऊपर की तरफ आ चुके हैं। तो वापस यहाँ पे हम नीचे की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे हमें पीछे पड़ चुका है जोम्बीज, यानी कि पानी वाला जोम्बीज। तो फटाफट इस मछली को तो हमें मार के ही रहना। अरे मछली चाची कहाँ पे हो? अरे भाई से तो यहाँ पे हमें नया फूड मिला है, यानी कि नई मछली मिली है। अरे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी से बाहर निकालो तो मर जाएगी।
पानी में डाल दो तो जी जाएंगी भाई। मछली जल की रानी है ऐसा आप लोगों ने गाना क्या सुना है अपने बचपन में कि आप लोगों ने ऐसा सुनने ही हो गए। यानी कि यहाँ पे प्ले हाउस में या केजी में तो आप लोगों को दिखाई देता है, यानी कि नर्सरी में हमारे यहाँ केजी होती है और आप लोगों की यहाँ नर्सरी या प्ले हाउस होता है, उसमें यहाँ पे बच्चों को ये यहाँ पे सिखाया जाता है। तो कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ पे हम आगे की तरफ जाते ही जाएंगे भाई। यहाँ पे कोई सीखा जो हमारा होता है क्या होता है सी बेस ऐसा कुछ यहाँ पे समुद्र में भी हमें मिल सकता है, तो फटाफट उसे भी यहाँ पे हम फाइंड करने वाले। अरे मछली चाची तो यहाँ पे हमें कुछ दे तो चुकी है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 मछली हो सकती है, यानी कि हो चुकी भाई, हो सकती नहीं यहाँ पे हो ही चुकी है, तो उसे यहाँ पे हम खा पी सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा पेट भरा हुआ है, तो अभी तो यहाँ पे हम नहीं खाने वाले हैं, तो बाद में ज़रूरत पड़ेगी तभी यहाँ पे हम खाएंगे। अरे मछली चाची तो यहाँ पे क्या ही भाग रही है यार, हमें भी भगा रही है भाई। यहाँ पे पानी यानी कि हमें श्वास लेने के लिए ऊपर आना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो हम आ तो चुके पर यहाँ पे फिर से हम अपनी मछली को शिकार बनाने वाले अपना, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे भाई रात भी होने वाले, तो रात में तो यहाँ पे हमारा और भी ज़ॉम्बीज से खतरा बन जाएगा भाई। यहाँ पे डॉल्फिन फिर से आ चुकी है हमारे पास भाई, हमें डॉल्फिन से तो पंगा लेना ही नहीं है, वरना वो तो यहाँ पे हमारे पीछे पड़ जाती है, और यहाँ पे वो कितनी तेज़ी से भाई चल सकती है आप लोगों ने यहाँ पे देखा है भाई, वो यहाँ पे तो काफ़ी तेज़ी से चल सकती है, और इतना तो यहाँ पर हम चल भी नहीं पा रहे, यानी कि उतना यहाँ पर हम तेज़ी से तैर भी नहीं सकते। तो फटाफट ऐसे ही यहाँ पे तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा फूड हो चुका है, तो अभी तो यहाँ पे हमें ज़्यादा फूड को कलेक्ट तो नहीं करना है, पर यहाँ पे हम पानी के अंदर कुछ नया देखने भी वाले, और यहाँ पे हमारा ज़ॉम्बी दिख चुका है। तो फटाफट यहाँ पे और पानी भी यानी कि हमारा श्वास ख़त्म हो चुकी थी, ऑक्सीजन का लेवल कम हो चुका था, तो यहाँ पे हमने फिर से अपने ऑक्सीजन को लेवल को बढ़ा लिया है और यहाँ पे अंदर आ चुके हैं। अरे भाई यहाँ पे हमसे पंगा मत ले यार, इसे यहाँ पे कितना मारना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास जो नेदर की स्वॉर्ड होती ना तो यहाँ पे एक ही बार में ख़त्म हो जाता, फिर वो तो यहाँ पे हमारे पास गोल्ड की वो भी इंचमेंट की भी नहीं, यानी कि इंचमेंट के बिना है, इसलिए यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा वार करने पड़ रही है। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम ऐसे ही अपनी पूरी की पूरी रात भी बिताने वाले अपने पानी के अंदर यानी कि अपने सी के अंदर भाई। यहाँ पे तो हमें आगे की तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और मछलियाँ यहाँ पे हमें दिखाई दे रही थी, पर यहाँ पे किसी को कुछ नहीं हुआ दोस्तों। तो फटाफट ऐसे ही यहाँ पर हम आगे की तरफ चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे भाई। ऐसे ही यहाँ पे तो हमें अपनी पूरी की पूरा दिन ही यहाँ पे समुद्र में यानी कि पानी के अंदर बिताना है, तो यहाँ पे तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टाइम तो लगने ही वाला है, तो क्या ही कर सकते भाई, यहाँ पे चैलेंज है, तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा सी के अंदर रहना ही पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी चारा नहीं है। तो यहाँ पे पिलेजर्स दिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम थोड़े से उसके मजे लेना चाहते हैं भाई। यहाँ पे थोड़ी सी हमें दिक्कत तो हो सकती है, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो भाई। यहाँ पर हम फिर से अपने घर के अंदर आ चुके, कोई बात नहीं यहाँ पे फिर से अपने चैलेंज को शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम अपने यहाँ से अपने चैलेंज को कंप्लीट करेंगे, यानी कि यहाँ पे तो हमें अपनी पूरी रात यानी कि पूरा का पूरा एक दिन हमें पानी में बिताना है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे फिर से हम पानी के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लेने वाले, यानी कि यहाँ पे हम बिना स्कोट के जाने वाले, क्योंकि यहाँ पे हम बिना स्कोट पूरी 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 जो हमारी कितनी भी रात बची है उसे यहाँ पे बिताना है दोस्तों। तो एक बार यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया यानी कि तो हमारे राजपाल यादव भैया ने हमें बताया कि इस लोगों का यहाँ पे तो हमें खेल ख़त्म ही करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे मुझे पीले जटा मिल जाएगी दोस्तों तो उसको यहाँ पर हम अपने टीएनसी के उड़ा देंगे यानी कि बॉम्ब से उड़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमें प्लेजर से तो बदला लेके ही रहना है, यानी कि हमारे प्लेजर को खेल ख़त्म करके ही रहना है। तो यहाँ पे हम टीएनटी काफ़ी ज़्यादा लेके जाएंगे, और यहाँ पे प्यूमर प्लेजर टावर है उसमें यहाँ पे टीएनटी को लगा देंगे और उसे यहाँ पे ब्लास्ट कर देंगे, फिर यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग यहाँ पे कितने मजे लेते भाई। यहाँ पे हमारे पास कुछ अच्छी सी स्कोट भी नहीं थी, और यहाँ पे हमारे पास आर्मर भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाए, क्योंकि उसके पास तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं था यानी कि हेल्थ भी कम थी दोस्तों। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो हमारा जो हो गया वो यहाँ पे सब हो गया, तो यहाँ पे ऐसे ही तरफ हमें आगे की तरफ बढ़ना है, और यहाँ पे हमारा क्या स्कोड मिल पाएगी दोस्तों, अभी तो यहाँ पे मेरे को रास्ता भी नहीं पता ठीक से। कोई बात नहीं, उसके आसपास यहाँ पे हमारा जंगल तो था दोस्तों, तो उसके पास यहाँ पे हमें मिल सकता है,
कोई बात नहीं, यहाँ पे तो ऐसे ही हमें पूरी की पूरी जितनी भी रात बची है, यानी कि हमारी जितनी भी रात अभी भी बची हुई है, उसे ही यहाँ पे पानी में बिताना है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं, यानी कि एक्सपी भी सारी के सारी चली गई है, फूड भी चला गया है, और यहाँ पे हमारी स्क्वाड भी चली गई है। तो यहाँ पे तो ज़ॉम्बीस आ चुके हैं, तो यहाँ पे तो हमें उसके साथ फाइट करनी पड़ेगी या यहाँ पे दुम दबाकर भागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी चारा नहीं। यानी कि यहाँ पे हम पानी के बाहर तो काफ़ी कम ही आ सकते, यानी कि यहाँ पे कुछ जाने का रास्ता ख़त्म हो जाए तभी यहाँ पे हम पानी के बाहर आ सकते, वरना यहाँ पे तो हमें तो पानी के अंदर ही रहना है। तो भाई साहब यहाँ पे तो हमें कुछ जो हमने जंगल के जैसा दिख चुका है, तो भाई यहाँ ही तरफ हम चले जाएंगे। भाई प्लीज़ यहाँ पे हमारे स्क्वाड और यहाँ पे हमारा खाना मिल जाए तो अच्छा होगा, और ना यहाँ पे तो हमारे जितने भी रात बची है उसे यहाँ पे बिताने में दिक्कत हो सकती है। भाई साहब यहाँ पे तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर यार क्या ही किस्मत थी, यहाँ पे तो हमारे सारा सारा सामान ही चला गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे तो क्रीपर भी आ चुका दोस्तों, तो यहाँ पे तो अभी तो हमारा रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है, तो आगे की साइड वो ख़त्म हो जा रहा है। तो फटाफट यहाँ पे हम अपना क्लिक करके, यानी कि यहाँ पे हम थोड़ा सा पार करते फिर से अपने समुद्र में आ चुके। तो यहाँ पे हमें अपने समुद्र के आगे की तरफ बढ़ते रहना। भाई क्या हुआ, इस लोगों ने तो यहाँ पे हमें ट्राइडेंट मारा। भाई यहाँ पे तो हमारे इस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ट्राइडेंट वाले जो अभी हमें मिल जाते हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पे वन डे में तो आप लोग को आसानी से हमारे जो ट्राइडेंट है वो यहाँ पे आप लोगों को मिल ही जाता, पर यहाँ पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम उसके साथ फाइट भी नहीं कर सकते और यहाँ पे अपना ट्राइडेंट भी नहीं ले सकते। तो फटाफट यहाँ से तो हमें उससे बचते हुए चले जाएंगे आगे की तरफ दोस्तों। तो अभी भी यहाँ पे हमारा थोड़ा सा समय बचा है हमारे सुबह होने में, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो हमें पूरा दिन कंप्लीट करके ही रहना है। कोई बात नहीं, यहाँ पे आगे की साइड ऐसे हमें अपने रिवर में चलते जाएंगे। अरे भाई यहाँ पे तो ख़त्म हो चुके, भाई यहाँ पे फिर से शुरू हो चुकी है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम फिर से अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देर तो हम ऊपर की तरफ, यानी कि बाहर तो नहीं रह सकते, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए, यानी कि यहाँ से जो रिवर जैसे ख़त्म हो जाती तो यहाँ पे हम ऐसे बाहर आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं धीरे धीरे फाइनली सुबह हो रही है, यानी कि यहाँ पे हम अपनी चैलेंज के कंप्लीट करने में पास हो रहे हैं, यानी कि एक बार तो यहाँ पे हमारा खेल ख़त्म हो गया। पर गरीब पचाचा भी आ गए, अरे सीट यार, अरे भाई यहाँ पे तो हमें जरा भी डैमेज नहीं लगा, और यहाँ पे हम क्या ही उछले थे यार, हमें थोड़ा सा भी डैमेज नहीं लगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारी फाइनली सुबह हो चुकी थी, थोड़ी देर और भी यहाँ पे हम पानी में रहने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमें तो अपनी जो राइट का साइड है, यानी कि हमारी जो कासल की लेफ्ट साइड है, वहीं पे हम अपने जाने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा जो आप लोग हमारे पहले से वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा जो ज़ॉम्बी विलेज है, तो यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने कासल के राइट साइड पे ही निकलते हैं। तो यहाँ पे तो हमारी सुबह का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुबह हो चुकी है। तो थोड़ी देर यहाँ पे हम पानी में रहेंगे, फिर से यहाँ पे हम अपनी चैलेंज को कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ पे हम अपने पानी से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमारी चैलेंज कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।